वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आज आपके लिए सोयाबीन कीमा की रेसिपी लेके आई हूँ, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और साथ साथ में बनाने में भी बहुत आसान है। शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 100 ग्राम सोयाबीन लिया है, उसको हम भिगो देंगे। आप इसको 15 मिनट भिगो दीजिए, उसके बाद इसको हाथों से सहायता से इसको स्क्वीज कर दीजिए। इसका सारा पानी जो है, एक्सेस पानी, वो हटा दीजिए और फिर एक बोल में रख लीजिए। इसमें पानी नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम एक ग्राइंडर जार लेंगे, उसमें डाल देंगे इसको। हमें इसका कोई पेस्ट नहीं बनाना है, जस्ट इसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करना है। तो देखिए, इसको क्रश कर लिया है मैंने। क्रश करने के बाद हम एक पैन में ऑयल लेंगे और उसमें कुछ खड़े मसाले, ये चक्री जो होता है ये डाल दिया है। उसके बाद एक बड़ी इलायची डाला है मैंने, और एक इंच का टुकड़ा डाला है दालचीनी का, और एक तेज़पत्र डाला है। इन सारी चीज़ों को भून लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक टेबलस्पून जीरा ऐड किया है। उसको अच्छे से भून जाने के बाद मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा प्याज कट किया है, छोटा छोटा चॉप किया है। आप उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए इसमें और इसको अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए, आप इसको ढक कर भी भून सकते हैं, मैंने इसको ढका नहीं है। प्याज हल्का गुलाबी हो गया है, हम इसको थोड़ा देर और पका लेंगे। उसके बाद जिंजर और गार्लिक का पेस्ट यूज़ करेंगे, एक चम्मच। तो यहाँ पे आप फ्रेश जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद इसको भी हम अच्छे से पका लेंगे, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है एक बड़ा टमाटर कट कर लिया है। आप यहाँ पे प्योरी भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इसको महीन ग्राइंड भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने स्वादानुसार नमक ऐड किया है, जिससे आप फूड प्रोसेस जो है वो जल्दी हो जाएगी। तो इस स्टेज में आप नमक यूज़ करिए तो जल्दी ही टमाटर गल जाते हैं। देखिए, टमाटर गल चुके हैं। अब हम यहाँ पे जो डेली रूटीन के मसाले होते हैं वो हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर यूज़ किया है, 1 टेबल स्पून गर्म मसाला पाउडर यूज़ किया है, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर यूज़ किया है, और यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया है। मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है, जिससे सब्ज़ी का कलर बहुत अच्छा आएगा और ये ज़्यादा तीखी भी नहीं होती है। अब हम इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे। जो ऑयल है वो रिलीज़ हो चुका है, सेपरेट हो चुका है। तो देखिए, हमारा मसाला जो है भुन चुका है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून दही यानी कर्ड यूज़ करेंगे। अगर आप नहीं खाते हैं तो आप मत यूज़ करें, लेकिन इससे स्वाद बढ़ जाता है। देखिए, तो इस समय आप फ्लेम को बंद कर दीजिए या फिर लो कर दीजिए, जिससे दही और मसाला नहीं फटेंगे। तो देखिए, इनको कंटिन्यूस चलाते रहिए और अच्छे से भून लीजिए। ऑयल सेपरेट हो गया है इसमें। अब हम इसमें हरा मटर यूज़ करेंगे। सोयाबीन के साथ हरा मटर बहुत अच्छा लगता है खाने में, तो मैं यहाँ पे 1 कप हरा मटर यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे फ्रोज़न मटर लिया है, तो मैं ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आप नॉर्मल मटर लेते हैं तो आप पहले से मसाले में थोड़ी देर भून लीजिए। फिर उसके बाद मैंने जो है सोया को जो मैंने ग्राइंड किया था वो इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पूरा मसाला इसमें मिक्स हो जाना चाहिए। तो देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसकी ग्रेवी, इसको थोड़ा हम ग्रेवी के साथ ही खाएंगे, नहीं तो ये बहुत सूखा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जिस हिसाब से आपको ग्रेवी चाहिए आप इसमें वाटर डाल दें, लेकिन इसको ज़्यादा गीला, मतलब ज़्यादा ग्रेवी मत रखिए, थोड़ा सा ही ग्रेवी होना चाहिए इसका। तो देखिए, मैं इस हिसाब से ग्रेवी रख रही हूँ, और मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून घी ऐड किया है। इससे सच में स्वाद बहुत बढ़ जाता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और फिर हम इसको ढककर 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। तो ऑयल सेपरेट हो गया है, तो आपको ये ऊपर दिख रहा होगा। अब हम इसके बाद इसमें हरा धनिया चॉप किया हुआ वो ऐड कर देंगे। अच्छे से गार्निश किया है मैंने, तो देखिए दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम एक बोल में इसको निकाल लेंगे। अब हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पर तड़का देना है, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून घी ले लिया है, और उसके बाद मैंने जिंजर को छोटा छोटा काट लिया है, और एक हरी मिर्च ली है उसको भी काट लिया है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। डालने से पहले
गैस बंद कर दीजिए, तेल की आंच थोड़ी कम हो, धीरे लाल मिर्च ऐड करिए, इससे कश्मीरी लाल मिर्च नहीं जलेगी और बहुत अच्छा कलर आएगा। तो देखिए सब्जी का कलर एकदम चेंज हो गया है। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।